डरना मत बेटा, मैं आ गया हूँ, मैं तुझे बचाता हूँ बेटा, मैं तुझे बचाता हूँ। अरे कोई है? अरे मेरे बेटा को बचा, तू क्यों डर? अरे कोई है? साहब साहब गाड़ी रोको, साहब 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 गाड़ी रोको, साहब साहब मेरे बेटा कुएं में गिर गया साहब, उसको बचाने के लिए मेरी मदद करो साहब, मेरी मदद करो साहब। टाइम नहीं है यार, लेट हो रहा है, बचा रहा हूँ साहब। बच्चा गिर गया था, कर लेनी चाहिए थी ना आपको मदद उनकी। तुमको नहीं पता है ये लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं और गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और लूट लेते हैं, तुम्हें नहीं मालूम है इसके बारे में? ओए राम, ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है, महंगाई का जमाना ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ। पागल हो गया क्या तू? क्यों बीच में आ रहा है? मरने के लिए क्या मेरी गाड़ी मिली तुझे? नहीं साहब, साहब मेरा बेटा कुएं में गिर गया है, उसको बचाने के लिए मेरी मदद करो साहब। कंडक्टर इसके ऊपर भरोसा मत रखना, ऐसे लोग बीच सड़क में गाड़ी रोक के लूटते हैं। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अरे उतर नीचे, हमको देरी हो रही है। मैं तो आप सबको हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब। अरे तेरा बच्चा है, तू जाके बचा ना, हमने क्या ठेका लिया है क्या? ये आदमी सच भी बोल सकता, हम सबको जाके देखना मांगता। हाँ माँ, आप सही बोल रहे हो, ये बाकी के लोग तो है ना मेरे जैसे है, हमें देखना चाहिए चल के। अरे क्या गोंधड़ डाल रहे थे, ये बस का थमो नहीं साहब, मेरा बेटा कुएं में गिर गया साहब, उसको बचाने के लिए मैं मदद मांग रहा हूँ साहब, मेरी मदद करो साहब। काय कुआ साहब? यही पे साहब। चलो ओए, हमें भी जाके देखना चाहिए। चलो चलो चलो। बेटा आप कुएं में कैसे गिरे, या किसी ने धक्का दिया आपको? नहीं साहब, मैं तो पतंग निकालने गया था ताकि वो पानी में गिरकर फट ना जाए, उस पे मेरे भारत देश के झंडे का रंग है। ये लो बेटा, नाम क्या आपका? भारत। अच्छा, तो इसीलिए अपने तिरंगे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और दूसरी तरफ लोग जब देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है तब उनमें देशभक्ति जाग उठती है, तब कोई पतंग उड़ाता है तो कोई झंडा लेके घूमता है और दूसरे दिन वही पतंग पेड़ों पे और वो झंडे गटारों में, नालियों में और कचरे में पड़े होते। भारत, तू इतना छोटा होके भी तिरंगे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, मगर हम लोग इतना बड़ा होके भी तेरे को बचाने आगे नहीं आए। यही होता है सच्चा देशभक्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे भारत को डूबने से बचा लिया साहब। नहीं, मैंने नहीं, बल्कि जिस तिरंगे को बचाने के लिए आपके भारत ने कोशिश की उसी तिरंगे ने आपके भारत को बचाया। ये देखिए, हा तुमचा भगवा फेटा। फादर, ये आपका सफेद और ये आपका, और भाईजान ये आपका हरा साफा। ४९४७ में अपने भारत देश को आजादी मिली, लेकिन आज भारत देश में आजादी के 70 साल बाद भी धर्म, जाति और समाज के मुद्दों को लेकर छोटे छोटे हिस्सों में बंटवारा होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अपने इस देश के हर जाति, धर्म और समाज में ऐसे कुछ गिने चुने स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपस में हिंसा पैदा कर रहे हैं और आप सब लोग उसके शिकार हो रहे हो। लेकिन आज वक्त आ चुका है
ऐसे सफेद दुश्मनों से मुंह फेरकर राष्ट्रीय एकात्मता दिखाने की। आज जिस तरह से आप सभी लोगों के वस्त्र को मिलाकर इस बच्चे की जान बची है, उसी तरीके से हमको एकजुट होकर अपने भारत देश के डूबते हुए शान को बचाना है। माफ कर दीजिए सर, मैंने बिना सोचे समझे लोगों के मन में गलत फहमी पैदा कर दी। साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। साहब, हम भूल गए थे कि हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए। ये भारत देश हमारा है और हम सब एक है। बाबा, माजा तिरंगा लगा।